सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। 14 मई 2012 पाक एक्सप्रेस न्यूयॉर्क उर्दू अखबार एक ऐसी खबर छापता है जिसके बाद में जितने भी लोग उसे पढ़ते हैं सबके सब एक पत्ते को इस बात की सोच में पड़ जाते हैं कि यह ऐसा वाकई में हुआ था। दोस्तों पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ, खबर का शीर्षक ही बता दूंगा तब भी आप लोग समझ जाएंगे। खबर का शीर्षक था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हैवान या शैतान। इस बारे में आप इस तरह से सोचिए कि मोहम्मद गौरी को भारत आने के लिए किसने उकसाया, किसने उसे सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए भेजा था। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही था जिसने जो है मोहम्मद गौरी को यहाँ आने के लिए उकसाया और यहाँ पर आकर सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए कहा और भारत पर आक्रमण करके भारत को कब्जा करने के लिए कहा था। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने कहा जाता है कि 7 बार उसे माफ़ किया था, पर खबर ये नहीं थी कि किस तरह से उसने उकसाया था, किसने क्या किया था, ये आगे मैं आपको बता दूँ कि खबर क्या थी। इसके बाद में जब मोहम्मद गौरी यहाँ आया और 7 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ़ किया, ये हमारी उदारता थी, हमारा सनातन धर्म की उदारता थी कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने 7 बार एक ऐसे व्यक्ति को माफ़ किया जो कि दंडनीय था, जो कि कुत्ते की पूंछ की तरह था, जो कभी सीधा हो ही नहीं सकता था। और यह बात मैं नहीं, पृथ्वीराज चौहान भी अच्छी तरह से जानते थे कि मोहम्मद गौरी कभी ना कभी उन पर आक्रमण जरूर करेगा, चाहे वो 7 हो या 700 हो, कितनी बार भी हो वो आक्रमण जरूर करेगा, पर फिर भी उन्होंने माफ़ करते गए। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद गौरी उनसे हर बार क्षमा मांगता था और माफ़ी मांगता था, कहता था कि मुझे माफ़ करो, मैं अगली बार आक्रमण नहीं करूँगा, संधि के लिए। और वो युद्ध नहीं चाहते थे इसलिए वो हर बार उन्हें माफ़ कर देते थे। इसके बाद में जब 8वीं बार उसने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान नहीं बच पाए और उस वजह से जो है वो पकड़े गए। उसके बाद में जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसकी पत्नी जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी संयोग्यता, ये खबर थी कि पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी संयुक्ता, उनका धर्म जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको आप लोग आज पूछते हैं। सोचिए, एक बंदा आप ही के धर्म के बंदी को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करता है और आप उसके दर पर जाके उसकी चौखट को चूमते हैं, उसको नमन करते हैं। अगर इसके बाद में भी संयोगिता जो उसकी पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी जिन्होंने जो है इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, उन्हें जो है रेप करने के लिए अपने जो सिपाही थे उनके, जो मोहम्मद गौरी के सिपाही थे, उनके बीच छोड़ दिया कि जाओ ये तुम्हारा है, ये नहीं कर रही है तो अपनी हवस मिटा लो, ये इस्लाम कबूल नहीं कर रही इसलिए तुम अपनी हवस मिटा लो। इसके बाद में जो पृथ्वीराज चौहान की जो बेटियां थीं उन्होंने ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ऊपर पहुंचा दिया था 72 हूरों के पास में। पर आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस्लाम कबूल ना करने पर संयोगिता को बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने और उसी की बेटियों ने उसे 72 हूरों के पास पहुँचा दिया था, फिर भी आप उसको नमन करते हैं। समझ तो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।